सबसे बड़ी अच्छी खबर कि अब कोरोना पेशेंट के लिए वेंटिलेटर या आईसीयू की जरूरत नहीं है। ये बात सिर्फ मैं हंगामा फैलाने के लिए नहीं कर रहा हूं, हकीकत में कह रहा हूं। इटली जहां पर लगभग 25,000 मौतें हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा संक्रमित रहा, उसमें लगभग एक शहर है बरगामो और दूसरा मिलान। बरगामो में लगभग 51 ऑटोप्सी और मिलान में 20 ऑटोप्सी हुई, और इसके आधार पर ऑटोप्सी माने मर जाने के बाद जो व्यक्ति कोरोना से मर गए उनके फेफड़े को देखा गया, और उनके फेफड़ों को देखकर ये पाया गया कि ये जो बीमारी है, जैसे कि पहले चाइना में 3 ऑटोप्सी के बारे में बताया गया कि इस दवाई ये बीमारी से वायरस हमारे लंग के जो सेल जिसको हम न्यूसाइट्स बोलते हैं उसमें जाकर उनको इन्फेक्शन करके जाम कर देता है, जैसा कि सार्स वायरस करता था, जैसा कि MERS-2 वायरस करता था, या और इन्फ्लुएंजा वायरस करते हैं। जी नहीं, लंग के अंदर ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा नहीं होता। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, मगर इतना ज्यादा नहीं होता। क्या होता है, जो लंग्स को, जो लंग की पूरी फेफड़े को या उसके सेल न्यूमोसाइट्स को, जो खून की नलियां जिनमें जो गंदा खून उनके पास ले जाती है, जिसको हम कहते हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज, और जो शुद्ध खून ऑक्सीजन से लाती है पल्मोनरी वेन्स, वो क्या करती हैं कि उनमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है। माने थ्रोम्बोसिस माने उनमें चक्के चक्के जाम होके वो जाम हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? ये वायरस जो होता है, तो कोई भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन करता है उसको डॉक्टरी भाषा में इन्फ्लामेशन हम कहते हैं, और ये इन्फ्लामेशन होने से उसके बाद एंटीबॉडीज बॉडी की रहती हैं, वो दोनों मिलके चेष्टा करके एक दूसरे को बांध के एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और एक धब्बे जैसे वेसल्स में जम जाता है, और इसको बोलते हैं माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस। माने जो खून की नलियां हैं उनमें थक्कों का जमना या उनके अंदर चक्के चक्के जम जाना, और ऐसे जम जाने से क्या होता है कि हमारे शरीर के सिर्फ उसी भाग में नहीं, हमारे शरीर के हार्ट में, हमारे ब्रेन में, जहां भी हमें कम कैलिवर की छोटी वेसल्स होती है, या हमारी पेरिफेरल जो वेसल्स होती हैं हाथों और पांव में, या हमारी किडनी की वेसल्स होती हैं वहां पर, इसलिए देखा जाता है कि इस पेशेंट के अंदर बहुत सारे पेशेंटों में साइनोसिस मिलता है, यानी बाहरी जो आंख, जो हाथ की उंगलियां हैं या पैरों की उंगलियां नीली पड़ जाती हैं। और उसी तरह से क्या होता है कि तो ये बात वहां एक पब्लिश हुई है उसके अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए ऐसा कहा गया कि अमेरिका के अंदर भी लोगों ने एक रिपोर्ट दी, एक फैमिली ने, क्या कि उन्होंने 3 दिन जैसे उनको बीमारी शुरू हुई 3 गोली उन्होंने एस्पिरिन की नींबू के पानी में शहद गर्म पानी के में मिलाकर ले ली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये गोलियां लीजिए, आप बिल्कुल भी अपना इलाज मत करिए, आपको डॉक्टर को दिखाना है, मगर मैं आपको इससे समझाना चाहता हूं, और ऐसा पाया गया है और ऐसा माना जा रहा है, इटली में लोगों ने अपना पूरा बदल दिया। हाँ, और एक बार आईसीयू में आप चले गए, और ऐसा भी अमेरिका के एक सिस्टर ने कहा कि वहां वेंटिलेटर में जो जाते हैं 90% मर जाते हैं, वेंटिलेटर में कोई ठीक से देखता ही नहीं, और देखता है तो भी रिकवरी नहीं हो रही है। तो इसका कारण डॉक्टरों के दिमाग में आया कि इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी, इसके जो संक्रमण की जो चीज है वो कुछ अलग है, और अब मला इसका कारण है डिसएनिमेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, जिसको हम DIC कहते हैं। तो ये थ्रोम्बोसिस होने का कारण होता है, इसलिए पाया गया कि इसमें एंटीबायोटिक और एंटीकोगुलेंट खून को पतले करने की दवाई, जैसे एस्प्रिन है, जैसे हमारे पास में और हमारे टिक्लोवास, टिक्लोवीस, और हमारे पासुग्रेल, बहुत सारी दवाइयां हैं हमारे पास एंटीकोगुलेंट के रूप में, उन दवाइयों को अगर हेपारिन है या हमारा माइक्रो एस्प्रिन जिसको बोलते हैं वो सब हैं, तो वो सब देने से और एंटीबायोटिक देने से ही देखा जाता है कि ये अच्छी, ये ठीक हो जाते हैं रोगी, पहले ही दे दीजिए। तो आजकल नया ट्रीटमेंट है कि घर में इलाज करिए, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, घर में अच्छी तरह से दवा, इसकी एक नई जान आ गई है इसके अंदर। और भी एक देखा गया है, इसके जो एक्सरे मिलते हैं जी, वो एक्सरे वो निमोनिया के एक्सरे जैसे चक्के चक्के नहीं होते, उसमें ग्राउंड ग्लास एपीरियंस और एक बीच बीच में इंटरस्टीशियल लाइन होती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जब वास्कुलरिटी के कारण होती है, इंट्रावास्कुलर पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस होती है, उसी कारण होता है। इसलिए ऐसा देखा जाता है इसमें बहुत ज्यादा
ऑक्सीजन देने से, पी बढ़ाकर एआरडीएस बढ़ा देने से इसमें लाभ नहीं मिलता। और एक बात है, जैसे लोग इटली में मिले जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई ऑटोइम्यून डिजीज से लेते, जिनको स्टेरॉइड चल रहा था, एंटी एंटी इंफ्लेमेटरी चल रही थी, वो देने से उनको उनको आईसीयू में नहीं भर्ती करना पड़ा। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम रामबाण है, इसको अभी डॉक्टरों को देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, अपने अपने एरिया में काम करना पड़ेगा। मगर ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और आपके लिए बहुत संतावना देने वाली है कि अगर जो पहले चाइना कह रहा था कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग पैरासिटामोल एस्पिरिन ये सब नहीं देनी चाहिए, स्टेरॉइड नहीं देना, अब बदल रहा है, अब बदल रहा है, इसमें एआरडीएस नहीं होता है, इसमें पीप की वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती है, इसमें एंटी कोगुलेंट एंटीबायोटिक की दरकार पड़ती है, बहुत ज्यादा वायरल मेडिसिन की दरकार नहीं पड़ती है। और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक ये बदलाव बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो आप घबराइए मत, अब आपको वेंटिलेटर, अब आपको आईसीयू, अब आपको बड़ी बीमारी की चिंता नहीं है। आप अपने लक्षण जैसी हो जाएं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, 2 गज दूरी बनाइए, मास्क जरूर लगा के रखिए, हाथों को बार बार धोइए, और कोई भी सिम्टम हो डॉक्टर साहब से मिलिए, आरोग्य सेतु लोड ऐप अपना लोड करिए और संपर्क करिए, आप ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।